ओ भाई, इतने सारे स्टूडेंट भाई, फुल पिकअप ऑटो। इस तरह का व्यू देखिए, कितना सुंदर है कि नहीं। आज के दिन के बारे में सर जी कुछ कहेंगे। इस वर्ष हम लोगों ने पूरी के पूरे 15,000 लोगों का भंडारा रखा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि ऑल गुड होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू ब्लॉग की शुरुआत। व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, ना फिर देवांशु अंदर की नमस्कार। तो गाइस सुबह सुबह का वक्त है, मैं रेडी होकर आ चुका हूँ। एंड गाइस आज है सावन सोमवार का दिन और आज मैं जाने वाला हूँ भगवान शिव जी का जो है दर्शन करने के लिए अभी माई फैमिली के साथ। तो रन जो है आप लोगों को भी मैं दर्शन कराऊंगा, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। वैसे देखो मम्मी अभी जो है दिया में बाती लगा रही है। गाइस अपन निकल पड़े मंदिर की तरफ। लीजिए गाइस अपन पहुंच गए हैं मंदिर के पास और ये रहा मंदिर जस्ट मेरे पीछे शिव भगवान जी का। तो चलो फिर चलते अंदर, आप लोगों को जो है मैं दर्शन कराता हूँ। जो आज पूजा हो रही है सावन सोमवार में शिव भगवान का। सो गाइस ये है शिव भगवान जी का मंदिर और यहाँ पे तुलसी माता का है देखो मंदिर छोटा सा, और ये रहा है देखो हनुमान जी का मंदिर। चलो आज मैं आप लोगों को इधर लेके चलता हूँ, यहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। जय जय श्री राम। गाइस ये रहे हनुमान जी, आप लोग घर बैठे दर्शन कीजिए भगवान जी का। जय जय श्री राम। चलिए गाइस हमारी पूजा हो गई। तो गाइस मैंने मम्मी को घर छोड़ दिया है और इस वक्त मैं जा रहा हूँ भिलाई सेक्टर 7 तालाब की तरफ, क्योंकि वहाँ पर भी जो है ना शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और आज सावन सोमवार का दिन है, तो वहाँ पर जो है ना बहुत धूमधाम से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को उधर मैं ले जाकर दिखाता हूँ, तो बने रहिएगा। ये आ रही है सामने से एमजेएम स्कूल की बस। ओहो कितने सारे स्टूडेंट्स। वो निकल जाएंगे साइड से। सही में यार बहुत प्रॉब्लम होती है बीच रास्ते में इस तरह जो ना गाय बैठी रहती है। तो ये देखो वो ओ भाई, इतने सारे स्टूडेंट भाई, फुल पिकअप ऑटो। और वैसे गाइस अपन जो है सेक्टर 7 में एंटर हो चुके हैं और ये रहा गाइस लाइन वाला, नहीं देखो पूरा स्ट्रीट यहीं से एक है जगह। नहीं, आगे से। एंड गाइस अपन जो है ना मेन गेट के पास पहुंच गए और ये देखो कितना भीड़ लगा हुआ है यार। बाप रे कितने सारे भक्त जन आए हैं देखो। और ये रहा मेन गेट है देखो तालाब तरफ जाने के लिए, बहुत ही सुंदर सजाया है देखो। चलो अब गाड़ी को जो है ना पार्क कर देते हैं अच्छे जगह। गाइस स्नो वाइट को जो है यहाँ पे एकदम सेफ एंड सिक्योर पार्क कर दिया दुकान के जस्ट बाजू में। अब चलो अंदर की तरफ चलते हैं। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से छुट्टी होती साथ यहाँ पे देखो आए हैं घूमने के लिए, बढ़िया। आज काफ़ी लोग आए हैं यार, बाप रे बाप, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोग भी आए दर्शन करने के लिए शिव जी का।
सो गाइस ये है सेक्टर 7 तालाब, कुछ इस तरह का व्यू देखिए, कितना सुंदर है कि नहीं। बाप रे बाप, क्या सेलिब्रेट कर रहे यार आज। और पूरा माइक में जो है पता नहीं क्या हो रहा है, भजन चल रहा है कि क्या चल रहा है, आई डोंट नो। हाँ भजन ही चल रहा है। और वहाँ पे जो है देखो सीढ़ी में पेंट भी कर रहे हैं हल्का हल्का, और नंबर उम्बर लिख रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं आई डोंट नो किस चीज़ का जो है नंबर लिख रहे हैं, लेकिन मस्त एकदम पेंट हो गया ना, एकदम रंग बिरंगा। और वहाँ पर है शिव जी की बड़ी सी मूर्ति, वो देखिए ब्यूटीफुल यार। और तालाब को भी जो है ना एकदम क्लीन एंड क्लियर करके रखे हैं, देखो है कि नहीं। और आज का दिन जो है ना बड़ी ही धूमधाम से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड गाइस ये देखो शिव जी की छोटी सी प्यारी सी मूर्ति, ब्यूटीफुल। एंड गाइस ये जो है ना पूरा बर्फ से बना है देखिए, लेकिन मानना पड़ेगा किस तरह देखो बनाया गया है शिव जी का जो है पूरा आकार देकर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि मेन मूर्ति की तरफ, और ये रूट वहीं ले जाएगा देखो। और यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस है देखो। शिवजी की छोटी सी मूर्ति बहुत ही खूबसूरत, और जस्ट बाजू में जो है देखो विशाल प्रतिमा शिवजी की, बहुत ही खूबसूरत ये भी। और आज का दिन जो है ना बड़ी धूमधाम से जो है मना रहे हैं कुछ इस तरह, और कितने सारे भक्त जन है देखिए। और ये रूट हमें सीधा ले जाएगा जहां पे इस वक्त जो है प्रसाद खिला रहे हैं। आज के दिन के बारे में सर जी कुछ कहेंगे। जी सर, हम लोग विगत 8-9 वर्षों से लगातार सावन के माह में हर रुद्राभिषेक भंडारा का कार्यक्रम कराते थे, महाभंडारा का। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने पूरी के पूरे 15,000 लोगों का भंडारा रखा है, और इसके अलावा हमने आज 7 बजे से रुद्राभिषेक प्रारंभ कर दिया। शाम को 4 बजे कान्हा महाराज जी का भजन संध्या है, उसके बाद 6:30 बजे गंगा आरती है तालाब के चारों ओर, जिसमें पूरी हमारी बहनें हमारे क्षेत्र के लोग सभी रहेंगे इस बार की। लेकिन एक खासियत ये है, इन 8-9 वर्षों में 150 जो हमारी बहनें हैं, एक आप देख रहे हैं पूरे चारों ओर जो भी एक ही कलर का ड्रेस कोड दिख रहा है, वो पूरी हमारी बहनें एक ड्रेस कोड लेके वो स्वयं वॉलेंटियर गुरुवैया वो सेवक हो गए हैं, शिवधाम सेवा समिति के सेवक हैं। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ हमारी बहनें ही काम कर रही हैं। बहुत ही प्यारा जो है आज के दिन को सेलिब्रेट करें, बड़ी धूमधाम से सभी बहुत पसंद आए, और इस तरह का जो है मैं देख रहा हूँ बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग अपना सम्मान बढ़ा दिया इस एक रंग में, हम लोग अन्नदान को रखेंगे।
इसके लिए मैं हमारी महिला बहनों को धन्यवाद देता हूँ जो पूरी जिम्मेदारी ली है। भाई मैंने भी प्रसाद ले लिया भगवान जी का, और ये देखो सभी जो है ना लाइन से खड़े होके खा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सीन है यार, सबके साथ जो है ना मिलकर खाना। चलिए फिर मैं इसको जल्दी से पहले फिनिश करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई इसमें प्रसाद खा लिया और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। आई होप कि आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ। आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माई चैनल याद से। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।